इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम रोनाल्डो के ड्राइंग पर शेडिंग कर सकते हैं। आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप एक बार देख लो, उसके बाद इस तरह से एक आउटलाइन बना लो। आज के इस वीडियो पर मैं आपको किस तरह से हम आइज़ और नोज़ पर हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पर डार्क वैल्यू होगा, मतलब जो डार्क वाला पोर्शन है आई का, वहाँ पर हम शेड करेंगे। तो शेडिंग के लिए यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो चारकोल पेंसिल है बहुत ही डार्क होता है, तो अच्छा खासा डार्कनेस हमको मिल जाएगा जो कि ग्रेफाइट पर नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा आप चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करो। उसके बाद जहाँ जहाँ पर डार्क होगा वहाँ पर शेड करो। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं एक मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो टिश्यू पेपर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारकोल है तो आप अच्छे से टाइम लगाकर ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हो, अगर चारकोल बाहर निकल जाता है, उसको आप अच्छे से इरेज नहीं कर पाओगे तो आपका ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। ये हमारा ब्लेंडिंग जो है हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको हम ब्राइट करेंगे, मतलब जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसको हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए यहाँ पर मैं एक नीडेड इरेजर और पेंसिल इरेजर का इस्तेमाल करके इरेज करूँगा। जहाँ जहाँ पर ब्राइट पोर्शन होगा, मतलब जो हाईलाइट वाला एरिया है, उसको हम इरेज करेंगे और इस तरह से हम हाईलाइट बनाएंगे। अच्छे से हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जहाँ पर डार्क होगा कहाँ पर हाईलाइट होगा, उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करके ही हम यहाँ पर इस तरह से शेडिंग करेंगे और इरेज करके हाईलाइट बनाएंगे। ये हमारा शेडिंग हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आईब्रोज की तरफ। जहाँ जहाँ पर आईब्रोज होगा, जिस डायरेक्शन पर होगा, छोटा छोटा हम इस तरह से लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे एक मेकअप ब्रश की मदद से। उसके बाद जब ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाता है, एक इरेजर की मदद से हम इरेज करेंगे थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए। तो जो आईब्रोज है, आइज़ है, हो गया। उसके बाद जो आइज़ का साइड वाला पोर्शन है वहाँ पर हम शेड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पेंसिल HB ग्रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप 2B या फिर HB का इस्तेमाल करो। 5B, 6B ये सब आप इस्तेमाल स्किन पर मत करना। और ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश का ही इस्तेमाल करूँगा। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो पेपर स्टम्प या फिर जो ब्लेंडिंग स्टम्प है उसका इस्तेमाल आप स्किन पर मत करना, क्योंकि वो आपका जो स्किन है वो डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब जो ब्लेंडिंग स्टम्प है वो काला काला धब्बा बीच पे रह जाता है, तो इसलिए आप स्किन पर कभी भी ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल मत करना। ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल जहाँ जहाँ पर डिटेलिंग होगा, छोटा मोटा डिटेलिंग होगा, वहाँ पर करना। जो स्किन वाला पोर्शन है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसलिए आप एक जो कॉटन का कपड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो टिश्यू पेपर है उसका भी इस्तेमाल करके आप स्किन पर स्मूथ ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला आंख है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से शेडिंग करके यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आई है, सेम स्टेप हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और जो ये वाला आई है उसको हम शेडिंग कर लेंगे। जब तक मैं ये शेडिंग कर लेता हूँ तब तक मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आप अभी तक ये वाला वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा ड्राइंग का नॉलेज आ रहा है, तो एक बार जो मेरा चैनल है उसको आप देख लेना, और इस तरह का ड्राइंग वीडियो देखने के लिए जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर देना। दोनों आइज़ का शेडिंग हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम फोरहेड बनाएंगे। फोरहेड के लिए HB पेंसिल से हम शेडिंग करेंगे। उसके बाद एक टिश्यू पेपर की मदद से इसको हम सॉफ्ट ब्लेंड करेंगे और इसी तरह से हम जो फोरहेड वाला हिस्सा है कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है फोरहेड। जो नोज़ वाला हिस्सा है वो भी काफ़ी सिंपल है, तो हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पर डार्क वैल्यू होगा, मतलब डार्क पोर्शन कहाँ पर होगा और कहाँ पर लाइट होगा, उसका हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम इसको शेडिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप बस देखते जाओ किस तरह से हम यहाँ पर शेडिंग करते हैं। ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जिस तरह से आइज़ पर थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट है, आइज़ वाला हिस्सा, जो नोज़ है ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस हम अच्छे से फॉलो करेंगे किस तरह से होगा, कहाँ पर डार्क होगा, कहाँ पर लाइट होगा, कहाँ पर हाईलाइट होगा, उसको ही हम ऑब्जर्व करेंगे। और ज़्यादा यहाँ पर हम डार्क नहीं करेंगे। डार्क पेंसिल मैं यहाँ पर सिर्फ 6B का ही इस्तेमाल किया, जो नॉस्ट्रल वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने 6B पेंसिल का इस्तेमाल किया।
और बाकी का जो पोर्शन है उसके लिए मैं HB और 2B पेंसिल दोनों को मिक्स करके यहाँ पर शेडिंग किया ब्लेंडिंग के लिए, वैसे जिस तरह से हमने बोला था एक मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। तो बस इसी तरह से हम रोनाल्डो का जो ड्राइंग है आइज़ और नोज पर शेडिंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ तक आप अच्छे से शेडिंग करके कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा बाकी का जो पोर्शन है उसको हम शेडिंग कर लेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ तक आप बनाकर रेडी कर लो।